स्पेशल चाय पीने को मिला। जुले सबसे प्रीवियस ब्रेकफास्ट है, कितना क्यूट है ना, देखो गाइस। गुड मॉर्निंग गाइज, सो वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और गाइज आप लोग को पता है मैं एक्चुअली अभी भी ले में ही हूँ एंड फैजल भाई के वहाँ पर स्टे कर रहा था। आज निकल रहा हूँ मैं कारगिल की तरफ क्योंकि ना मनाली वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल भी खराब हो गया है एंड जैसे जैसे करके घर तो निकलना है। एंड मैं सोच रहा था मतलब इसको कार्गो करके बाइक को फिर घर भेज दूँ मैं, फिर फ्लाइट में चला जाऊँ, तो वही काफ़ी सारी दिक्कतें आ रहा था ना, तो इसीलिए फिर कल से ही बाइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाइक का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मीटर में कुछ मतलब मीटर में कुछ भी नहीं आ रहा था, शायद फ्यूज़ का डिफेक्ट होगा, तो वहाँ पर चेकिंग हो रहा है अभी। सो गाइस अभी चलो बाइक वाइक बना के मैं निकल चुका हूँ कारगिल रोड से श्रीनगर की तरफ एंड आज शायद लामा यूर में रुकेंगे या फिर कारगिल पहुँच जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। अन्ना गाइस मेरा GoPro का माइक भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, बहुत ढूंढा ले में नहीं मिला, तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है भाई, पता नहीं साउंड अच्छा आ रहा है या नहीं, आई डोंट नो। मनाली का रास्ता बंद हो गया, आप लोगों को पता है मतलब मनाली में कितना ज़्यादा फ्लड हो गया, फिर वो हो गया ना, तो टेंशन हो रहा है मुझे भी क्योंकि अभी इस तरफ का रास्ता भी मतलब मैंने पूछा तो था, बोला तो है अभी जो जिला पास होकर जाना पड़ेगा, पता नहीं जो जिला पास का रास्ता कैसा है, वहाँ पर ऑफ रोड तो होगा ही होगा, लेकिन पता नहीं गाइस थोड़ी बहुत टेंशन भी हो रही है, अभी अकेला हूँ लेकिन कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं गुरुद्वारा। वाहे गुरु मेरी रक्षा करना, वाहे गुरु जो बोले सोहिनाल शस्त्री अकाल। गुरुद्वारा कितना अच्छा है गाइस, देखो रास्ता तो अच्छा ही है लेकिन इतना ज़्यादा स्लोप ज़्यादा और टर्निंग्स एंड मतलब पत्थर देखो गाइस अभी क्या भी गिर जाएगा ऐसा लग रहा है। मेन हाईवे पहुंच गया और लुक एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन गाइस, कितना खूबसूरत है यार, सच्ची में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, वाओ। ऐसे जिग जग रोड है लेकिन रोड बहुत बढ़िया है गाइस, एवान रोड है सच्ची में, बहुत अच्छा रोड है। आज कारगिल नहीं पहुँचेंगे क्योंकि ना ऑलरेडी मैंने लेट स्टार्ट किया था ट्रिप और फिर ये गाड़ी का वायरिंग बनाने के चक्कर में और ज़्यादा लेट हो गया ना, तो शायद आज का स्टे होगा लामा यूरू में, तो देखेंगे वहाँ पर बहुत ही बड़ा बढ़िया सा मोनेस्ट्री भी है, सो लेट्स चेक मतलब क्या होगा देखते हैं गाइस। अब यहाँ पर 4:15 हो गए गाइस, यहाँ से 62 किलोमीटर लामा यूरू, देखो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ओहो वे टू श्रीनगर, तो आज पता नहीं कारगिल नहीं पहुंच पाएंगे शायद क्योंकि यहीं पर ऑलरेडी अभी शाम होने वाले हैं, शायद लामा यू में रुकना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये लोकेशन देख के रुकने का मन किया, बहुत ही अच्छा गाइस देखो, वाओ। सो गाइस आज तो मौसम इतना अच्छा है ना, मतलब धूप इतना कड़क है, पूरे छारे जल रहे, मतलब जलन हो रहा है ना धूप की वजह से। गाइस ये नदी देखो बहता हुआ नदी और ये आएंगे ब्रिज, इतना खूबसूरत जो लग रहा है गाइस, वाह। चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ऑन द वे। हेलो जिले ठीक है सर जी, निकलते हैं फिर मिलेंगे कभी। अब यहाँ से लामा यूरो सिर्फ कितना आधा घंटे में पहुंच जाएंगे शायद, ब्रिज देखो यार एकदम बढ़िया है ना। चलो गाइस यहाँ आने का मेरा एक्चुअली एम्बिशन तो नहीं था, जब घर से निकला था सिर्फ ले लद्दाख वो क्या बोलते तुर्तु विलेज जाएंगे फिर वापस मनाली रोड जाएंगे ऐसा वाला सीन था मतलब अपना प्लान, लेकिन किस्मत हमें कहाँ कहाँ ले जाते हैं क्या पता है ना, फाइनली लामा यूरू का मोनेस्ट्री भी दर्शन करने को मिलेगा शायद है ना, और श्रीनगर साइड भी आने का मौका मिला, तो चलो बड़ी बात तो चलो अच्छी बात है ना। अभी चले जा रहे बादलों के मतलब बादल नहीं पहाड़ों के बीच चले जा रहे, अपना मंजिल कहाँ है पता नहीं, कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे, कभी दाएं जा रहे तो कभी बाएं,
तो ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है गाइस यहाँ पर। भाई नजारा देखो एकदम पत्थरों के बीचों बीच। अभी फिर से ये पहाड़ के ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर मैप में ऐसा दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है कैसे जाना है यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ है रास्ता भी। भाई लामा यूरो कहाँ से जाते हैं? ये रोड से कहाँ जाते हैं? सुनो ये फिर गूगल मैप क्यों इधर दिखा रहे भाई? गूगल तू क्या कर रहा है? ये बोल ये जाएगा जांस्कर, कुंडली जाएगा यहाँ से जांस्कर। जो जिला पास ऊपर जाते हैं? जो जिला यहाँ जाएगा नमकीन ला दुजिला पोतना। ये दिखा रहे सर मुझे, थैंक यू। सो गाइस गलत रास्ता पकड़ लिया था, अब ये ऊपर पहाड़ों में जाना है, ऊपर जाना है भाई ऊपर। द लैंड ऑफ लामा, इसीलिए शायद यहाँ पर लामा यूरू बोलते हैं। Hey guys, finally हम पहुंच गए लामा यूरू, और यहाँ का व्यू अच्छा है, थोड़ा बहुत ग्रीनरी भी है एंड ऊपर मुझे मोनेस्ट्री दिखाई दे रहा है, लेकिन धूप तेज की वजह से यहाँ पर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी वहाँ जाके सामने से देखेंगे। यहाँ पर पहले तो लायन गेस्ट हाउस, तो पहले तो यहाँ पर होटल वगैरह देखना पड़ेगा। ओ मेरे पीछे पीछे डॉगी भी आ गए। तो गाइस अभी होम स्टे चेक करके आया, रूम तो है अच्छा ही है, फिर भी ऊपर भी अगर ही मिलेगा तो सही है ना, देखेंगे यार। गाइस देखो ग्रीन फील्ड, वाओ चलो ऊपर जाते हैं, यहाँ पर है लामा यूरू मोनेस्ट्री ऊपर में। तजी जी ले लामला, यहाँ रूम मिलेगा, रूम गेस्ट हाउस होम स्टे, ठीक है थैंक यू। होटल एंड रेस्टोरेंट, बाइक थोड़ा साइड कर लेते। ओ भाई नीचे का व्यू देखो, चल हाँ लामा यूरू पहुंच गए यहाँ से यहाँ पर। सो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर होटल रूम में, एंड गाइस यहाँ पर है मोनेस्ट्री, अभी तो नहीं जाएंगे सुबह जाएंगे। तो गाइस देखो बहुत ही अच्छा है नीचे का व्यू देखो गाइस, ये पूरा लामा यूरू है, बहुत ही अच्छा। ये देखो ये है लामा यूरू मोनेस्ट्री लद्दाख, तो कल सुबह दिखाएंगे आप लोगों को अच्छा लगे यहाँ से। पहले चाय वाय पियेंगे गाइस, एक्चुअली फ्रेश होकर चाय पीना चाहिए लेकिन आज मैं चाय पी के फ्रेश हो जाऊँगा है ना भाई। फाइनली अभी पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन लामा यूरू, और आते ही गाइस स्पेशल चाय पीने को मिला, थकान दूर हो रहा है अभी, एंड अभी सनसेट भी हो रहा है, तो आज तो मोनेस्ट्री का दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत थक भी चुके हैं एंड अभी बंद होने का टाइम भी हो गया है। सुबह फ्रेश में करेंगे एंड आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे अभी। बाकी देखो गाइस नीचे का नज़ारा बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अमेजिंग है, एंड यहाँ के लोग भी बहुत अमेजिंग है, फ्रेंडली है। सब लोग हाई बोल दीजिए ना, हेलो हाय बोल झूले झूले झूले। चलो गाइस एकदम मोनेस्ट्री के पास में बगल में बैठा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ अपना बम्बल भी आ गया गाइस, यहीं अपन हमारे नेपाल के दाई है जो कि बिहाइंड द सीन कैमरामैन बने आज। नमस्ते नमस्ते। सो गाइस ये अपना रूम, और ना गाइस रूम एकदम ठीक ठाक वाला है, उतना बढ़िया भी नहीं है मतलब ठीक ठाक है, एंड यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है गाइस। ये देखो
तो गाइस कल ना यहीं से ड्रोन उड़ाऊंगा, तो ये वीडियो शायद कल कंटिन्यू करके कल ही एंड करेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी मैं थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश होके खाना वाना खाऊंगा, फिर आज रेस्ट करूंगा एंड वीडियो का काम भी कंप्लीट करना है ना, तो ये वीडियो कंप्लीट करेंगे कल, क्योंकि मुझे कल ड्रोन शॉट लेना है। लामा यूरू मनीषी का एकदम अमेजिंग ड्रोन शॉट आने वाला है गाइस, मिस मत करना, कल वाला सीन जरूर देख लेना गाइस। और यहाँ से उड़ाऊंगा ड्रोन एकदम करके, ड्रोन चार्ज में लगा दिया है, ये उड़ेगा कल। गुड मॉर्निंग एवरी वन, सो दिस इज द नेक्स्ट डे, और अभी भी उठ के थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश हो लिया है एंड अभी आज निकलना है। तो निकलने से पहले आप लोग यहाँ का लामा यूरू का छोटा सा टूर करवाते हैं। एंड गाइस मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, सो मॉर्निंग व्यू यहाँ से कुछ इस तरह सा है, देखो। सो कल भी ये व्यू दिखा था, तो चलो तो अभी यहाँ पर मॉनेस्ट्री में थोड़ा बहुत मॉनेस्ट्री का दर्शन करते हैं एंड फिर ड्रोन वन उड़ाते हैं, फिर यहाँ से निकलना है मुझे कारगिल की तरफ। आज शायद श्रीनगर पहुँचेंगे, तो लेट्स गो। गाइस दिस इज द होटल जहाँ पर मैं रह रहा हूँ एंड यहीं पर बगल में सामने में है मॉनेस्ट्री। तो गाइस मौसम काफ़ी ठंडा है, चलो ओम मनी पद्मे ओम। तो गाइस यहाँ पर है मेन मंदिर यहाँ अंदर, और यहाँ का बाहर का सीन ऐसा है गाइस, देखो ऊपर ऊपर में भी है। देखो गाइस, सो गाइस अभी अंदर पूजा हो रहा है शायद, हाँ पूजा हो रहा है। सुना गाइस एक्चुअली मैं थोड़ी देर यहाँ पर बाहर आ गया हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ही अच्छा पूजा हो रहा है एंड अंदर वीडियोग्राफी ऐसा अलाउड नहीं है। तो गाइस पहले पूजा कर लेते हैं, बहुत ही शांति है अंदर ना, एकदम अच्छे से प्रेयर हो रहा है, तो पहले पूजा वूजा कर लेते हैं। एंड एक्चुअली मैंने चढ़ाने के लिए कुछ नहीं लिया था, यहाँ पर ही खादा मैंने वहाँ पर गेला को मांगा है, तो ये खादा चढ़ाएंगे। एंड मैंने तुक-तुक से एप्रिकॉट फ्रूट लाया था, तो वो चढ़ाऊँगा। तो मुझे पहले रूम जाना है, तो रूम जाके आते हैं, फिर यहाँ पर पूजा वूजा करते हैं, मिलते हैं आप लोगों थोड़ी देर के बाद में। एंड गाइस इट्स रियली रियली पीसफुल, मतलब इतना शांति मिल रहा है ना यहाँ पर, क्या बताओ गाइस। सुबह सुबह गाइस पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही अच्छा है गाइस, देखो बहुत शांति है। सो गाइज अभी पूजा खत्म हुआ मॉनेस्ट्री में, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पीसफुल था, मतलब यहाँ पर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। देखो कितने सारे यहाँ पर लामालाज है, जुले एवरीवन, गाइस वंस मोर जुले ताशी जुले। ओके सो गाइज अभी हम ग्रुप फोटो लेने वाले हैं यहाँ पर, आओ सोनम रेडी एवरीवन, नीचे नीचे आओ नीचे, आप भी जाओ उधर, या यक पदू यक पदू, वन टू सब लोग बोलो जुले कैसी दिले। सो गाइस बहुत मजा आया, बहुत पीसफुल, इट वाज रियली अमेजिंग जुले। प्यारे प्यारे लामा लाज है यहाँ पर, क्यूट क्यूट सा सब लोग। अभी पूजा खत्म हो गया सुबह सुबह, एंड गाइस बहुत मजा आया सच में। एंड देखो पीछे, ए मेरा यूट्यूब चैनल देखना, दर्शन नहीं है, दर्शन ब्लॉग्स, दर्शन ब्लॉग्स, मैं दार्जिलिंग से आया, दार्जिलिंग दार्जिलिंग पता है कहाँ है, दार्जिलिंग में ना मोनेस्ट्री बहुत अच्छा था, दार्जिलिंग आना आप लोग आएंगे, आपका नाम क्या है, नीमा, ओ चलो सब लोगों को मिठाई खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, कहाँ है दुकान, नहीं जा सकते, चलो एक गाना गाओ सब लोग, कस्तो मजा है रे लैमा, आते गाना क्या कर रहे हो, हाँ इधर देखो ना
क्या कर रहे हो? नाम क्या है? जिंगमी। जिंगमी। सो गाइस अभी एक्चुअली ब्रेकफास्ट टाइम है, तो मैं भी सब लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। सब लोग लाइन पे लगे हुए हैं, तो मैं भी लाइन पे लगा हुआ हूँ। सब लोग अभी छोटे छोटे बच्चे भी ये खाना खा रहे हैं। मैं भी खाऊंगा। जी है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, एंड सब लोगों के साथ मैं भी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे देखे छोटे गाइस, आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट ये मेरे लिए सबसे प्रीशियस ब्रेकफास्ट है। ऐसे लामा लोग ऐसे लामाज के साथ गिलास के साथ खाने का मौका मिल जाएगा इससे, है ना? टेस्टी है। देखो तू सिंबू तू सिंबू तू चमसिन चमसिन। सो गाइस देखो सब लोग का खाना हो गया है, सब लोग अपने अपने बर्तन धो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे होते हैं डिसिप्लिन, छोटे छोटे बच्चे भी है यहाँ पर। देखो बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धो रहा है, खाना खाया अब बर्तन धो रहे हो भागे भागे। अब छोटे बच्चे कैसे बर्तन धोते मैं दिखाऊंगा। इसका गाल तो देखो ये बाबा, अरे पानी नहीं आया, कैसे धो रहे है? हाँ गुड, वेरी गुड। कितना क्यूट है ना, देखो गाइस बर्तन धो रहे बेचारा। यहाँ पर भी अभी हो गया। सबसे छोटा लामा ये है, इसका नाम क्या है? ये छोटा है लेकिन सबसे हैवी है। ओ भाई हम इसको फेंक दो नीचे। 1 2 इससे भी छोटा मिल गया अभी ये। इसका नाम क्या है? कर्मा गैच्छे टैसी। कर्मा गैच्छे टैसी। अब इसको फेंक देना नीचे। 1 2 मजा आया। बाय बाय तशी दिले तशी दिले।
देखो यहाँ पर आंटी जी ये लेके आए, ये है शिप का ना, शिप का। ओ बहुत अच्छा है, गरम होता है ना ये। आपने बनाया? हाँ, ये भी आपने बनाया? हाँ। मफलर भी है, मफलर भी है, सॉक्स भी है, स्वेटर भी, सॉक्स भी है। देखो गाइस कैसे बनाया आपने, ऐसे ऐसे कर हाथ से। ठीक है जिले, जिले भी बन रहे। क्या है ये, ये क्या है? चिकन, किचन, किचन। ओ कामसाई ना, कामसाई, बाय बाय। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, लामा यूरू का मतलब स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड फिर यहाँ से आज होगा नया जर्नी शुरू, नया कहानी का शुरुआत। तो वो कहानी मतलब उसमें क्या होगा मुझे पता नहीं, तो अगले वाले वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चलेगा। तो चलो यहाँ से मुझे पहले वो जाना है, कारगिल जाना है, फिर दराज, फिर श्रीनगर। तो चलो आज का जर्नी कैसा होता है देखते। तो यस गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स। Just enjoy your life, be happy, spread love and happiness. Bye bye guys. Jule tashi dile. Bye bye. La bye bye daru hai. Aur guys jaane se pehle hamare Nepal ke dai ko Nepali gana sunate hai, hai na? Guys Lama Yur mein baja raha hu main flute. कस्तो लाग्यो दाइ? एकदम राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। बाई बाई बाई।